क्या यही है क्या? हाँ। क्या शौक खाई हुई लड़की की तरह रो रही है? क्या यही स्टार है क्या? कौन है? कौन चाहिए? सिक्योरिटी। मैं हिल नहीं सकता, बॉम्ब है। हम प्रेस वाले हैं, हमें इंटरव्यू चाहिए। जस्ट हाफ एन आवर बस, इफ यू डोंट माइंड। आपके होते हुए भी लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप इंटरव्यू नहीं देंगी, फोटो नहीं खिंचवाएंगी? ऐसा क्यों? ये तुम कहाँ रोने धोने वाले के पास ले आई? चलो यहाँ से। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्लीज, मैं बर्बाद हो गई। ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे कैद में रखा है। दया कीजिए, मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चलिए, प्लीज। मुझे ये किसी प्रॉब्लम में लगती है। तुम्हें इस तरह क्यों रखा गया है? ये बहुत दुखद कहानी है, फिर बताऊंगी। वो राक्षस आएगा तो मार डालेगा। वो कौन है, कहाँ है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। ये कौन है? कौन है ये? क्या कहा इससे? तुमसे कहा था ना अपना मुंह बंद रखो। मेरी गैर हाजिरी में लोगों को बुलाकर कहानी सुनाने की हिम्मत आ गई है तुम्हें? अबे हिलना मत, बैठो बैठो। ए भागी, रुक जाओ। ए भागी, ए रुको। अरे तुम डरो मत, ये सब मेरे ही दोस्त हैं। बैठो यहाँ पर, बैठो बैठो। कोई इसे इतनी बेदर्दी से मार रहा था, मैंने देखा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, दो चार लगा दी उसे। यहाँ ले, ये लो। पहले उसे दो। ठीक है, पहले तुम लो। एक और पुलिस केस सिर पर ले लिया। गुस्से में तुम क्या कर जाते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता। वो कहाँ रह गई बॉबी? उसको कहाँ छोड़ दिया तुमने? हाँ, मुझे क्या पता, वही थी वो। मुझे लगता है वो मैनेजर का इंटरव्यू ले रही होगी। भागी भागी, मुझे क्या लगेज बैग समझ लिया कि जहाँ चाहो छोड़कर आ गए? हे, क्या कर रही है अभी? कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी दोस्त कहती है, फ्रेंड कहती है, लवर कहती है। कल वो मुझे जैकपॉट कह रही थी और आज मुझे लगेज बैग कह रही है। वैसे भी लगेज बैग को कभी कभार पीठ से नीचे उतारना भी पड़ता है। तो तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम कभी भी छोड़ सकते हो। देखा, अभी से साथ छोड़ने की बात कह रही है। अरे तुम्ही ने तो कहा था ना इसका साथ दो, तो मैंने साथ दिया। कहो तो इसे मैं अभी छोड़ आता हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। देखो इंटरव्यू ले लेती हूँ, फिर जहाँ चाहे छोड़ाओ। हाय। वैसे आपका ओरिजिनल नाम क्या है? महालक्ष्मी। शरद सिन्हा आपके असली पिता है ना? नहीं, वो एक चांडाल है। मुझे बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। एक डांस प्रोग्राम के दौरान शरद सिन्हा की नजर मुझ पर पड़ी। वो किसी तरह मुझे अपने वश में करना चाहता था। पहले उसने मेरे पिताजी को वश में किया। उन्हें शराब पीने की आदत थी। शरद सिन्हा ने उन्हें और भी गलत आदतें सिखा दी। अपनी तमाम कमजोरियों के आगे पिताजी ने घुटने टेक दिए, जिसका उसने फायदा उठाया। उसने मेरे साथ 20 साल का एग्रीमेंट कर लिया और हम देखते रह गए। और मैं एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार बन गई। नीच कहीं का, कैसे कैसे लोग औरतों को फंसाकर शोषण करते हैं। 20 साल का एग्रीमेंट, ये मेहनत करे कमाए और उसे दे, अजीब बात है ये तो।
तुम डरो नहीं नंदिता, प्रेस के सामने उसकी पोल खोलकर तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गांव जाना चाहती हूँ अपनी माँ के पास। डोंट वरी नंदिता प्रेस। नहीं प्लीज, मुझे प्रेस से बहुत डर लगता है, मुझे माँ के पास पहुँचा दीजिए, मेहरबानी होगी। भागी, पहले ही कहा था मैंने इन लफड़ों में मत पड़ो तुम, लेकिन सुनती हो तुम मेरी, अब भोगतो ये सब। अरे भागी, देखते ही देखते मैनेजर की पिटाई करके तुम इसे यहाँ ले आए और मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तुमने जो कहा वो मैंने कर दिया, अब कुछ करूंगा? अरे घर वाले मेरी धुलाई करेंगे, अब तुम जानो और तुम्हारी ये हीरोइन जाने। कबड्डी खेलो, लंगड़ी खेलो, कुछ और भी खेलो, लेकिन मुझे बख्श दो। सी यू। ए ए ए ए, एन वक्त पर पेट दिखा दी इसने। व्हाट टू डू नाउ? क्या हुआ? आसमान के सितारों को देखकर यही सोच रही हो ना कि आसमान भरा है सितारों से और तुम कितनी खाली हो? डोंट वरी, वो शिव की तरह है, जानती हो, जब तक शांत है तब तक शांत है वो। गुस्सा आया तो तीसरी आंख खोलकर अपने गुस्से में सब कुछ जलाकर राख कर देता है वो। जिस काम का बीड़ा उठाता है उसे पूरा करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा उसे पटाने के लिए। ओके? सर। हाँ बोलो। पुलिस कंप्लेंट करें सर, या फिर पेपर में न्यूज़ दे दें? बाप रे, पुलिस कंप्लेंट। मैनेजर, मैनेजर हरे, तुम साला मैनेजर नहीं घसियारा है। पुलिस और पेपर दोनों जनता के सेवक, अगर ये बात पेपर में छप गया ना तो तुम्हारा गेट पास, फिर बस पास और फिर लाइफ पास देना पड़ेगा तेरी तो। पहले पता लगाओ लड़का लड़की कौन है और कहां पर रह रहा है, नहीं तो तुमको जिंदा जला दूंगा, लाश को कोई पूछवाना नहीं होगा, समझा? जाओ। अरे जाओ यहां से तेरा पहिक। कुछ पता चला? चलो आओ जल्दी बैठो। चलो 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 आओ सभी, जल्दी आओ, चलो बैठो। मैं अपने बच्चों को इसी तरह खिलाती हूँ, सोचा आज तुम्हें भी। आ, 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 आ,